नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी ने हमारे जो न्यूज में मैं दिखा रहा था उस पर मोहर लगाई। जब जब मैंने जो जो बोला वो चीज़ें हुई। इस पर कई लोगों को शायद मिर्ची लग गई है ना, कि इसको कहां से पता चला, कैसे पता चला, तो उल्टा सीधा कमेंट करने लगे। कई लोग कहने लगे, उसमें से एक आध दो लड़के हैं, कि क्या बकवास करता है, टाइम बर्बाद करता है। तो उस लड़के से मैं बताऊंगा, ये कहने वाला हूं कि ईडी प्रैक्टिकल में क्यों फेल हुआ है फिर तू, है ना। इतना तेरे पास टाइम नहीं है बकवास मेरी सुनने के लिए, तो तू फेल क्यों हुआ है और अगली बार भी तू फेल ही हो रहा है। और तेरे जैसे लड़के या भी जो भी कोई है, तू या इंस्ट्रक्टर है या संचालक है, जो भी है, ये यूजर है ना। मैं पैसा कमाने के लिए या स्क्रिप्ट लिखने के लिए या व्यू पाने के लिए न्यूज नहीं बनाता हूँ, है ना। तेरे जैसे फर्जियों का मैं ऐसे ही मुंह काला करके सामने ले आता हूँ और दिखाता हूँ, समझ गया ना तू। तो तेरे जैसे फर्जियों को मेरे शो पे जरूरत नहीं है, ये ना समझ लेना कि मैं चुपचाप हो जाऊँगा कि साहब हमको सब्सक्राइब करिए, हमारे में देखिए। इस YouTube से मेरे घर का खर्चा और मेरा नहीं चलता है। ये मैं 28 साल की तपस्या है और जिसको मैं अपना एक कर्तव्य समझता हूँ कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेरे को इसमें नॉलेज है, इसमें 28 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं वो चीज़ें न्यूज दिखाऊँ। तो सबसे पहले ये, अब तमाचा लगा लोगों को तो क्या कहें, कुछ यूट्यूबरों को भी लग गया है, तो उनके भी लड़के आकर के उल्टा सीधा कमेंट करने लगे और आपको बहकाने लगे। पर आपको मैं हर बार सबूत देता हूं और हर बार हमारे न्यूज को डीजीटी अप्रूवल कर देता है, तो मुंह पे तमाचा बच जाता है। कहते हैं कि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, उतने सब्सक्राइबर हैं, तो छोटा सा वो है, तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मेरे को जो भी 1000-1500 लोग देखते हैं उनका काम होता है, वो खुश रहते हैं, कमेंट देख लीजिए। चलिए, अब बहुत सारे लड़कों का मैं बताऊं, असली न्यूज पे आ जाता हूं। बहुत सारे लड़कों का जो हॉल टिकट है ना, वो डाउनलोड करते समय पे जो है तो वाइट आ रहा है, मतलब प्लेन आ रहा है। उसके पीछे जो मैंने आज बोला डीजीटी में, तो उन्होंने बोला कि देखिए सर्वर की इसमें कोई गलती नहीं है, इसका कोई गलती नहीं है। देखिए, अगर किसी का आ रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का किसी लड़के का आ रहा है, इनका नहीं आ रहा है, तो उसका कारण जो है तो वो पता लगाएं। उसका कारण पता लगाने का सिर्फ दो ही चीज़ है कि क्या ITI वाले ने आपकी एलिजिबिलिटी की थी, या ITI वाला बताएगा। क्या वो फीस भरा था, फार्म भरा था, ये ITI वाला बताएगा। DGT हर लड़के को देख देख करके ऐसे नहीं बताएगी। ये सारा काम किसका है, ITI वाले का है। तो जो लड़के अगर ऐसे हैं तो आप अपने ITI में संपर्क करिए, वही कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनको आप बोलिए कि वो कंप्लेंट टूल पे शिकायत करें कि हमारे इस लड़के का, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही कुछ होता है, आज ये न्यूज आपको सुबह ही मैं डाल रहा हूँ, कि जैसे ही आपका ये है तो अपने ITI वाले को बोलिए कि कंप्लेंट टूल पे शिकायत करें और विधित सर को ये चीज़ें मेल कर दें कि सर हमारा एडमिट कार्ड ये आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। और मैं मेल पे फिर एक बार वो उस पे ब्रेकिंग न्यूज पे मैं चला दे रहा हूँ, उन सर को आप मेल करिए और मेल करके अपनी चीज़ों को बताइए। जिस पे DGT के अफसरों ने मेरे से बोला था कि अगर कंप्लेंट टूल पे शिकायत करते हैं तो मैं 24 घंटे के अंदर सुनवाई करूँगा। 29 तारीख है, 30 तारीख तक में आपको रात तक में सारी चीज़ें हो जाएंगी, टाइम कम ही बचा है ना। पर ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। जर्नली मैं बता दूं कि बहुत सारे लड़कों को जो एडमिट कार्ड निकल रहा है उस पर ITI वाले भी मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि सर ये अच्छी पद्धति नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है, कि लड़के फीस नहीं जमा कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो है तो उनका हॉल टिकट निकल रहा है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो गलत होता है, लेकिन मेरी बात मानिए कि इस बार के लिए छोड़ दीजिए। इस बार मैं भी जो है तो ये चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, अगली बार नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सही हो जाए, बहुत सारी चीज़ें 2024 में सही होंगी। और आप लोग भी अपने ITI के बच्चों का आप तभी एडमिशन करिएगा जब अगली बार, जब वो फार्म तभी भरिएगा और जब वो लड़के फीस दें, जो लड़के रेगुलर आएँ। आप जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें वो लड़के हैं जो लड़के दलालों के थ्रू से बहुत सारे आए हैं,
उनका पैसा दलाल खा लिए हैं, डबल डबल चार्ज लग गया है। तो इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं तो उसको ठीक किया जा रहा है। और इस पर ये मत समझिएगा आईटीआई वाले, ठीक है ना, इस पर डीजीटी हर एक चीज़ जानती है, हर चीज़ समझती है, लेकिन आप जानते हो कई आईटीआई वाले ऐसे हैं कि हाल टिकट देने के लिए भी 300 से 400 500 रुपए वसूली कर रहे हैं, 1000 रुपए वसूली कर रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस को लिए देख लीजिए कि 1000 1000 1500 1500 2000 2000 ले रहे हैं, मार्कशीट देने के नाम पे पैसा लेते हैं। तो एक तरह से डीजीटी आप बता रही है कि अगर आप सुधर जाओगे तो ठीक है, नहीं सुधरोगे तो फिर ऐसे ही होगी। तो इसमें अगर आप कहोगे कि डीजीटी की दोष है तो मैं डीजीटी का दोष नहीं मानता हूँ, ऐसे आईटीआई की दोष मानता हूँ मैं। और इसमें हर एक आईटीआई को लगना पड़ेगा, ये दलालों को और जो माफिया हैं उनको आपको अलग करना पड़ेगा, उनकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी, उनकी शिकायत करनी पड़ेगी, ये गंदगी साफ करनी पड़ेगी। हालांकि डीजीटी बहुत ज़्यादा गंदगी साफ कर दी है, अगले 2024 आते आते लगभग लगभग बहुत सारी गंदगी 50% से ऊपर गंदगी साफ हो जाएगी। क्योंकि डीजीटी अपना रास्ता सही कर रही है और आप अपने रास्ते पे अगर सही नहीं हो रहे हो, हर चीज़ डीजीटी को गलत कहना, डीजीटी पे वो कहना, देखिए ये गलत है कि डीजीटी पक्षपात करती है या ये सब कुछ करती है। आप कितना काम कर रहे हैं आप अपने ऊपर देख लीजिए पहले, इसके बाद आप करिए, क्या सही क्लास लगती है, क्या सही टीचर आपके पास हैं, क्या सही इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, क्या आप प्लेसमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं। आज भी देख लीजिए कि लड़के जो है तो पीडीएफ और यूट्यूबरों के चक्कर में हैं। इसीलिए मैं आपको यही चीज़ बताते समझाते चल रहा हूँ कि अगर यूट्यूब से और पीडीएफ से बच्चे पास होते तो इतने बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। अगर पीडीएफ से और यूट्यूब से बच्चे पास हुए होते तो क्या इतने लड़के फेल होते, आप सोच लीजिए। ये आपको आंख नहीं दिख रहा है, ये भयावह स्थिति है, ठीक है ना। और आप लोगों ने तो खुद ही लड़कों को पीडीएफ डाउनलोड करके दे रहे हो, यूट्यूब की लिंक दे रहे हो पढ़ाने वालों के लिए, तो जहर तो आप फैला रहे हो ना। और इस देश के जो युवा हैं उनको आप जहर दे करके मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को वो होगा। आप कहते हो कई लोग हमसे बड़ी दुश्मनी रखे हुए हैं कि यार ये इनका वीडियो मत चलने दो, लड़कों तक ना पहुंचे, नहीं तो लड़के जो है तो ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आज एक चीज़ हमको बता दीजिए कि कल जो पोर्टल पे सारी चीज़ें निकली हैं वो किसका फ़ायदा हुआ है, वो किसका काम हुआ है, क्या कोई आईटीआई वाला बताएगा? मेरा हुआ है या आपके हुआ है, आपके इंस्टीट्यूशन को हुआ, आपके बच्चे को हुआ है? क्या जो फीस आई है उसकी फीस में तो होगा नहीं कि आप मेरे पेटीएम पे पैसा डाल दो, क्या डालोगे आप? नहीं डालोगे। तो आप लोग अपने खुद दुश्मन हो, किसी को दूसरे को दुश्मन मत कहिए। उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाएंगे एक उंगली तो 50 उंगली आपके तरफ उठेगी। मेरा काम है अवेयरनेस करना, मैं अवेयरनेस करता हूँ, मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ। आप कभी हमारे स्टूडियो में आइए देखिए तो आपको लगेगा कि कितना मेहनत करता है आदमी। आंख में मेरे सूजन है, ठीक है ना, 15 दिन से मैं परेशान हूँ तब भी मैं न्यूज़ बनाता हूँ। और आपको लगता है कि न्यूज़ बनाने से पैसा आता है, घर चलता है, तब तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि हिम्मत रखिए, कल जो है तो बहुत सारे लड़के हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कह रहे हैं, तो कल मैं आपको इसके बारे में सटीक न्यूज़ दूंगा, बिल्कुल सटीक, है ना। सीबीटी एग्ज़ाम का हॉल टिकट कब आएगा, कैसे आएगा, कौन से पद्धति से आएगा, कैसे मिलेगा, आप लोग घबराइए नहीं। एक एक चीज़ करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले जो है तो ये ईडी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, फिर सीबीटी सप्लीमेंट एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, फिर जो है तो हमारे सेमेस्टर के भाई बच्चे हुए हैं उनको हो जाने दीजिए। क्योंकि सीबीटी का जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं ना, उनका आंकड़ा, उनका एग्ज़ाम का जो चीज़ें हैं वो शायद सब निर्धारित होगी दिसंबर में, जो लास्ट दिसंबर में नंबर चढ़ाने का है, वो डेटा देखने के बाद कि कितना डेटा है, कितने लोग एग्ज़ाम देने के लायक हैं, कितने लोग एग्ज़ाम देंगे, कितने एग्ज़ाम नहीं देंगे, उस हिसाब से होगा। लेकिन मैं कोई भी मुद्दे को छोड़ता नहीं, देखता देखते रहते हो आप। अभी कुछ दिन में कुछ और न्यूज़ें बनेंगी जो आईटीआई खोलने के लिए भी बनेंगी, अब राइट टाइम है कौन सा डेट। अब हम मैं इस बार में सोच रहा हूँ कि एडमिशन के लिए भी आपको मैं पहले से ही बताना चालू कर दूं, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूं कि आप अच्छे आईटीआई में ही एडमिशन लीजिए, आप ऐसे घटिया आईटीआई में बिल्कुल भी एडमिशन लेने
मत जाइए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और जो कमेंट कर रहा है तो करने दीजिए, है ना। उसकी सोच, उसके माँ बाप ने उसको जितना पढ़ाया होगा लिखाया होगा तो वो उतना ही जानेगा, है ना। जैसे जिसके बाप मतारी वैसे उसका जो है तो लड़का होता है। तो ये अपनी माँ बाप की जो है तो पहचान बता रहे हैं। और मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि भैया हमारे चैनल पर आप आइए देखिए, है ना। हमारा काम है सिर्फ अवेयरनेस का। एक भी लोग रहेंगे तब भी ये न्यूज चलेगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।